और माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, देखिए इस माली ने भी एक अंडा उतारा है दोस्तों। ये देखिए दोबारा फिर से दोस्तों ब्रीडिंग शुरू हो गया है। तो और ये देखते हैं दोस्तों कि इसके नीचे क्या है। तो कल तो कुछ भी नहीं था, आज देखते हैं दोस्तों क्या इसके नीचे क्या है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसने दोनों के दोनों अंडे जो है उतार दिए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज माशाल्लाह मैंने देखे कि हमारे जो दोस्तों इस पौधों में कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है फूल लगे हैं, और रंग बिरंगे जो है। सर्दियों में ये फूल जो है खिलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, तो आइए मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो है मौसमी सरमा की फूल है। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो है फूल इसमें लगे हैं, और बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों इस सर्दियों में ये फूल लगते हैं, और माशाल्लाह जब मौसम गर्म हो जाता है तो भी ऐसा ऐसा ही सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और जब सर्दियाँ आते हैं तो ये फूल खिलते हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा दोस्तों येलो येलो है, और इसका कलर दोस्तों रेड और ऑरेंज कलर का शेड दे रहे हैं ये फूल। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और हमारे पूरी दावती पर भी माशाल्लाह से बहुत सारे फूल लगे हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पूरी दावती भी माशाल्लाह दोस्तों, ये भी दोस्तों सर्दियों की देखे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपने परिंदों के पास चलते हैं, और अपने कबूतरों को और अपनी मुर्गियों को देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा दाना उठा लेता हूँ कबूतरों के लिए। ये दाना दोस्तों मैंने उठा लिया, और अब जाकर कबूतरों के पास चलते हैं दोस्तों, और आप लोगों को आज की अपडेट देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी डब जो थी नीचे दाना खा रही थी, जैसे मैं आया दोस्तों तो ये अचानक उड़कर पट्टी पर बैठ गई है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये बेचारी अकेले है, सारी दोस्तों ये नर है, तो ये बेचारा अकेला है। इंशाल्लाह इसके लिए फीमेल लेकर आएंगे दोस्तों। मैं हर बार आप लोग सोच रहे हो कि मैं हर बार कह रहा हूँ कि इसके लिए फीमेल लेकर आएंगे आएंगे, तो बात यह है दोस्तों कि इंशाल्लाह अभी मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह जब मार्केट जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए फीमेल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो आइए अंदर चलते हैं, और अंदर आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या सूरत हाल है। कबूतर ज़्यादा जो है बाहर नहीं निकले आज, बस कुछ ही बाहर पट्टियों पर बैठे हैं, और बाकी जो है अंदर ही मौजूद है। देखिए दोस्तों कबूतरों को दोस्तों मैंने कल रात मकई का बूरा डाल दिया था, और माशाल्लाह इसने सारा ख़त्म कर दिया है। ये जो येलो येलो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये मकई का जो बचा हुआ बूरा था तो मैंने कबूतरों को डाल दिया था, और माशाल्लाह कबूतरों ने खाया है सारा। और कैल्शियम पाउडर भी मैंने कल ही डाल दिया था, और आज देखे दोस्तों बस थोड़ा सा ही रह गया है, बड़े शौक से खाते हैं। और अब मैंने जो ग्रीन फूड डाल दिया था दोस्तों, ये देखे दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल नज़र नहीं आएगी वो
सारा का सारा दोस्तों कबूतरों ने खाया है, और सिर्फ बस कुछ ही मूली की ये दो तीन पत्ते ही रह गए हैं, और बाकी सारा कबूतरों ने खाया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा न्यू बेबी दोस्तों माशाल्लाह देखिए अब से मस्तियाँ करने लग गया है कबूतरी के साथ, इसने लड़ाई की। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा बन रहा है इसका कलर। देखिए दोस्तों, इसका मोरा सफ़ेद होता जा रहा है और बाकी इसका जो है सब्ज़ बन रहा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और इसका दूसरा भाई है वो ये है दोस्तों, माशाल्लाह ये भी बड़ा प्यारा है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा दीवाना बच्चा ये जो बीमार हो गया था, अभी माशाल्लाह ये एक्टिव है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, और हमारी वैश्य माँ जी भी बाहर ही निकल गई है, इस टाइम शायद नर अंडों पर बैठा है और ये बाहर है। तो अंदर चलते हैं दोस्तों अंदर, और आप लोगों को अंदर की जो है अपडेट करते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह सारे कबूतर जो है अपने अपने जो है खानों में बैठे हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रिंसिपियर है दोनों एक साथ ही घोंसले में बैठे हैं, शायद इसके नीचे अंडे हैं या कुछ और दोस्तों। और देखकर आप लोगों को बताते हैं कि इसके नीचे इसने अंडे दिए हैं कि नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं कि इसके नीचे क्या है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों कि इसके नीचे क्या है। तो अभी तक दोस्तों इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बैठे हैं, शायद ये अंडे देने वाले हैं। और इसने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, स्पीयर ने इसने भी कुछ नहीं दिया। और ये देखते हैं दोस्तों कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है दोस्तों। और ये देखते हैं दोस्तों कि इसके नीचे क्या है, तो कल तो कुछ भी नहीं था, आज देखते हैं दोस्तों क्या इसके नीचे क्या है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसने दोनों की दोनों अंडे जो है उतार दिए हैं दोस्तों। ये देखे दोस्तों, माशाल्लाह दोनों अंडे इस फीमेल ने उतार दिए हैं। देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं, इसने भी अभी तक कुछ नहीं दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों देखिए, इस मादी ने भी एक अंडा उतारा है दोस्तों। ये देखे, दोबारा फिर से दोस्तों ब्रीडिंग शुरू हो गया है। देखे दोस्तों इतनी जल्दी, और इसने घोंसला बना रखा है दोस्तों, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं दिया। और इस माशाल्लाह दोस्तों हमारा वैशी पियर वैशी नर दोस्तों इस टाइम अंडों पर बैठा है, तो इसको चेक करते हैं इसके बच्चे निकले हैं कि नहीं। तो अभी तक दोस्तों इसके बच्चे नहीं निकले। और बाकी दोस्तों देखते हैं, इस दोस्तों इस पियर ने दोनों अंडे दिए हैं, और मैंने दोस्तों वो अंडे उठाए हैं और इसके नीचे ख़राब अंडे रखे हैं, क्योंकि अभी मैं ब्रीडिंग नहीं करवा रहा दोस्तों। और दोस्तों ये देखे, इसने भी दोनों अंडे दिए थे और मैंने ख़राब अंडे इसके नीचे रखे हैं। और इस पियर ने अभी तक कुछ नहीं दिया, और ऊपर वाले के नीचे एक अंडा ख़राब पड़ा है, ये पियर है वो। और बाकी दोस्तों इसके नीचे भी ख़राब अंडा है, और सब कुछ दोस्तों भी ये इसी ने दोस्तों घोंसला बनाया है हमारी शेरनी ने, और अभी तक अंडा नहीं दिया दोस्तों। और ये पट्टा इसके साथ जो है लगा है,
ये इसका नर है दोस्तों। तो ये अभी तक ये माजी को भगा रहा है, शायद ये जल्दी अंडे उतार देगी। तो ये सीन है। तो आइए दोस्तों अभी बाहर चलते हैं और कबूतरों को दाना डाल देते हैं कि नीचे हमारे कबूतर आए और दाना खाए। तो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो दाना डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाह। दाना दोस्तों मैंने डाल दिया। अब देखते हैं कि कबूतर निकलते हैं कि नहीं। बाहर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और मेरे इस चैनल पिताबर जनकर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।